जैसे ही रमज़ान शरीफ का चांद तुलू होता है तो ढेर सारे सवालात भी लोगों के शुरू हो जाते हैं, लाइक रोज़े की हालत में क्या करें क्या नहीं, ज़कात किस पर है किस पर नहीं, तरावीह 8 है या 20 वगैरह, बहुत सारे मसाइल होते हैं। इसी तरह रमज़ान में एक अहम मसला जिसके ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, हालांकि इसको पूछने में भी कुछ लोग थोड़ा कतराते हैं और कुछ बताने में भी कतराते हैं, क्योंकि ये मसला ऐसा ही है हम बिस्तरी का। हालांकि मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, एक कायदा बता रहा हूँ जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि दीन के मामले में शर्म नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मसला हो। चुनाचे सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 53 में कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक, कि अल्लाह सुबहानहु व तआला हक फरमाने में नहीं शर्माता है। और सही बुखारी में तो हदीस है, हदीस नंबर 130 जब आप पढ़ेंगे तो ये बात अच्छे से वाज़े होती है कि इस तरह के मसाइल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी पूछे जाते थे। बल्कि हज़रत आयशा तो फरमाती है, इसी हदीस के ज़िमन में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अंसार की औरतें बड़ी अच्छी हैं कि वो दीन के मामलात में नहीं शर्माती हैं। अंसार की औरतें अल्लाह के रसूल से इस तरह के मसाइल पूछा करती थी, हैज़ के ताल्लुक से, एहतिलाम के ताल्लुक से। आप बुखारी की हदीस नंबर 130 आप पढ़े, उसके ज़िमन में आपको ये बात मिल जाएगी। तो मेरे भाई, मैंने दलील से बताया कि कोई भी मसला हो पूछने में शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उस मसले को पूछने पर आपको जब उसका जवाब मिल जाएगा तो हो ना हो आप गुनाह करने से बच सकते हैं। बहरहाल अब मैं अर्ज़ करूं कि वो मसला जो है रमज़ान में हम बिस्तरी हम करते हैं या नहीं, तो मैं अर्ज़ करूं कि रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, जबकि आप रोज़े से ना हो यानी रात में। अब दलील क्या है? दलील ये है कि इस्लाम के इब्तदाई दौर में ये चीज़ नाजायज़ थी, इस बात को याद रखिए, पहले बेशक ये चीज़ नाजायज़ थी और ये सही बात है, लेकिन जब दुश्वारियाँ बढ़ी और वक्त के साथ हालात बदले तो आपको मालूम होगा कि अहकामात भी बदलते हैं। पहले शराब जायज़ थी, लेकिन बाद में कुरान करीब में शराब नाजायज़ हो गई, अहकामात बदले। तो उसी तरीके से अपनी तरफ से मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ और ये भी याद रखें, बल्कि कुरान करीम में है सूरतुल बकरा आयत नंबर जब 187 जब आप पढ़ेंगे उसमें अल्लाह तबारक व तआला साफ तौर पर इरशाद फरमाता है, उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामिर रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल हुआ। यहाँ तुम्हारे लिए हलाल हुआ, ये साफ वाज़े दलील है कि पहले जायज़ नहीं था, अब हलाल हुआ, अब जायज़ हुआ, वो तुम्हारी लिबास है और तुम उनके लिबास हो। इस आयत की तफसीर करते हुए समझाने के लिए बता रहा हूँ कि साहिब तफसीर रूहुल बयान जो कुरान की बड़ी मोतबर तफसीर हैं, वो हदीस बयान करते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन साहबी रसूल है, खलीफा दोम है, रमज़ान की रात में अपनी बीवी से सोहबत किए, आपने गुस्ल किया और एहसास गुनाह से रोने लगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये अमल जो है नाजायज़ था, तो आप रोने लगे कि मैंने गुनाह कर दिया। फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके और अल्लाह के दरबार में माजरत पेश करता हूँ, आज मुझसे एक बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बीवी के पास पहुँचा और सोहबत कर लिया। जब हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ये बात कह रहे थे तो कुछ सहाबा और खड़े हो गए और वो भी यही बात कहने लगे कि यह गलती हमसे भी हो गई या रसूल अल्लाह। तो उस दुश्वारी को ख़त्म करने के लिए ये आयत उस वक्त नाजिल हुई कि रमज़ान की रातों में तुम्हारा अपनी बीवियों के पास जाना हलाल हुआ। इसके अलावा और भी दुश्वारियाँ थी रमज़ान में, सहरी और इफ्तार का वक्त बहुत कम होना, ज़्यादा होना, वो आप इंशाअल्लाह अगर कभी वक्त आएगा तो मैं बयान करूँगा। तो बहरहाल कुरान से ये साबित है कि ये अमल जो है रमज़ान की रातों में जायज़ है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई ना करे तो ठीक है, ये उसके ऊपर है, लेकिन इसको बुरा और नाजायज़ कहना ये गलत बात है मेरे भाई, जबकि ये कुरान से साबित है। अब जो बुरा कहते हैं, इसके बावजूद जो मैंने बताया उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं, क्योंकि पिछले साल भी मैंने इस तरह की वीडियो अपलोड की थी तो कमेंट्स में आया था कि कुछ लोग जो है फिर भी इसको बुरा ही कह रहे थे, तो उनसे मैं सवाल करता हूँ कि वो सिर्फ इतना बताए कि क्या ये कोई बदफेली है, ये कोई बदकारी है, या माज़ अल्लाह कोई ज़िना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर दूसरी बात, अगर आप इसको बुरा मानते हैं तो उसूल ये है कि बुरी चीज़ बुरी ही है, चाहे वो रमज़ान में हो या गैर रमज़ान में हो। मिसाल के तौर पर आज अगर कोई शख्स सूद लेता है, ठीक है,
पूरे साल वो सूद लेता था, रमज़ान में उसने सूद लेना बंद कर दिया, सूद हराम है, रमज़ान में उसने लेना बंद कर दिया, लेकिन जो है रमज़ान जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे वो फिर से जो है सूद लेना शुरू कर देगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो रमज़ान में सूद को बुरा समझ रहा है और गैर रमज़ान में उसको अच्छा समझ रहा है? नहीं मेरे भाई, बुरा हर हाल में बुरा होगा और अच्छा हर हाल में अच्छा होगा। सीधी सी बात यह कि हम बिस्तरी बुरा अमल होता तो पूरे साल होता ना मेरे भाई, ना कि सिर्फ रमज़ान में। अब मान के चलो, मिसाल के तौर पर कोई शख्स किसी लड़की के साथ जिना करता था, रमज़ान में छोड़ दिया, फिर रमज़ान के बाद माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह फिर करने लगा, ये मिसाल के लिए समझा रहा हूँ, तो क्या वो अच्छा हो गया माज़ अल्लाह कि रमज़ान में छोड़ दिया था उसने और जो है रमज़ान में वो बुरा मान रहा था और गैर रमज़ान में कर रहा था, यानी माज़ अल्लाह वो अच्छा समझ रहा था? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। तो ये बात अक्ल में आने वाली नहीं है और इस्लाम अक्ल से नहीं, कुरान और सुन्नत से चलता है मेरे भाई। जो लोग जो हज़रात कमेंट्स में अपनी अकलें दौड़ाते हैं उनसे मैं कहता हूँ, इस्लाम मज़हब जो है अकलों से नहीं चलता, कुरान और सुन्नत के दलाइल से चलता है। और कुरान और सुन्नत से ये बात साबित और वाज़े है कि बीवी से ताल्लुक़ कायम रखना जायज़ है। हाँ, फिर भी कोई ना करे तो कोई हरज नहीं, लेकिन इसका इनकार करना कुरान की आयत का इनकार करना है, और कुरान की आयत का इनकार करना ये कुफ्र है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। बहरहाल आखिरी बात ये, सबसे बेहतरीन मिसाल, सबसे बेहतरीन अल्फाज ये है कि अच्छा अमल हमेशा अच्छा रहेगा, चाहे रमज़ान में हो या गैर रमज़ान में, और बुरा अमल हमेशा बुरा रहेगा, चाहे रमज़ान में हो या गैर रमज़ान में। इतनी बात बताने के बाद भी अगर कोई शख्स ना माने तो फिर मेरा एक सवाल है कि जवाज़ की दलील मैंने सूरतुल बकरा की आयत से दी कि ये अमल जायज़ है, उसकी तफसीर में तफसीर रूहुल बयान पढ़ दी, और अगर वक्त आया तो मैं अहादीस भी पढ़ दूंगा। वीडियो शॉर्ट की वजह से सिर्फ कुरान की आयत इतमाम हुज्जत के लिए मैंने पढ़ दी, लेकिन जो नाजायज़ कहता है उनसे मेरा यही अर्ज है कि वो वक्त ख़राब न करें, बल्कि वो कुरान और सुन्नत से नाजायज़ की दलील लेकर आए। इंशाअल्लाह हम उस पर भी गौर करेंगे। अल्लाह ताला सभी को हक़ समझने की तौफीक अता फरमाए।